तो अगर आप अपने मोबाइल से कॉमेडी वीडियोस या यूट्यूब वीडियोस बनाना चाहते हो और एक प्रोफेशनल लेवल पे, एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, तो आज मैं आपको एक ऐसी ऐप बताऊंगा और उसकी सारी चीज़ें बताऊंगा जिसकी मदद से आप एक प्रोफेशनल लुकिंग वीडियोस अपने मोबाइल से बना पाओगे। तो गाइस देखो, जो ऐप आज हम यूज़ करने वाले हैं, जिसका ट्यूटोरियल आपको ए टू जेड मिलने वाला है, ये मैं पहले बता दूं कि ये ऐप थोड़ी इजी नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने डाउनलोड करी और यूज़ करना चालू कर दिया। इसमें सारी चीज़ें आपकी मैनुअल है, चाहे फोकस को ले लो, चाहे कितने सिनेमैटिक तरीके से आप फोकस लेके आओ, चाहे कलर लेके आओ, चाहे लोग में शूट करो, कैसे भी शूट करो, जो प्रोफाइल्स होंगी इसकी वो सारा कुछ मैनुअली आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन एक बार अगर आपने उस ऐप में अपनी सारी सेटिंग्स की मास्टरी कर ली, तो चाहे हर्ष बेनीवाल हो, चाहे राउंड टू हेल, चाहे अमित बड़ाना, कोई भी हो, उनकी तरीके से जैसे वो शूट कर, जितना बढ़िया उनका फ्रेम लगता है, उतना ही बढ़िया फ्रेम आप भी अपनी वीडियोस में बना पाओगे। मैंने भी पर्सनली बहुत बार ये ऐप पहले भी यूज़ करी है और आज मैं आपको इसका ए टू जेड डेमो देने वाला हूँ। तो जो ऐप मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है फिल्मिक प्रो। ये आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी और वहाँ पे थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे, बट अगर आपको पैसे नहीं देने तो ये शायद गूगल पे भी आपको मिल जाए। ये हमने फिल्मिक प्रो ऐप ओपन कर ली और जैसे ही हम ऐप ओपन करेंगे, सारी सेटिंग्स जो आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी, आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे सबसे पहले कि ऑडियो का बार आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पे ये बार जो है ऊपर नीचे आप देखेंगे कि हो रहा है। अब उसके अलावा यहाँ पे उसके साथ में हमें जूम इन जूम आउट का भी ऑप्शन है, इसको हम आगे लेके जा सकते हैं, पीछे लेके आ सकते हैं। ये हमारा जूम इन जूम आउट का ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारी तीसरी चीज है, यहाँ लेफ्ट हैंड से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है आपको जो कलर का साइन नजर आ रहा है, ये कलर के साइन पे हम क्लिक करें तो यहाँ पे आपको कलर बैलेंस या ऑटो वाइट बैलेंस नजर आएगा। ये अभी ऑटो पे है, जैसे ये ब्लू आपको AWB पे नजर आ रहा है, इसको आप चाहो तो मैन्युअली चेंज भी कर सकते हो। वैसे कलर बैलेंस को छेड़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, बट अगर आप किसी सीन को मतलब कुछ बिल्कुल लाल दिखाना चाहते हो तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको लाल कर दिया तो आप सेटिंग्स देखेंगे सारी किस तरीके से लाल हो गई, ऑरेंज हो गई, ग्रीन करनी है, पिंक करनी है, ब्लू करनी है, जो भी करनी है आपको वो आप इस तरीके से यहाँ पे छेड़ सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे छेड़ोगे तो देखोगे AWB से हट चुका है, क्योंकि अब आपने यहाँ पे कस्टम कर दिया है। कलर बैलेंस हम मोस्टली क्या होता है कि ऑटो पे रखते हैं ताकि हमारे जो कलर्स है सीन के इधर उधर वो चेंज ना हो, ठीक है ना, बट अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो। उसके बाद दूसरा है हमारी डायनेमिक प्रोफाइल, हम किस तरीके से शूट करते हैं। बाय डिफॉल्ट ये हमारा नेचुरल पे रहता है और इसको अगर मैं रीसेट कर दूं तो कुछ इस तरीके का बाय डिफॉल्ट हमें नजर आता है, बट हम चाहते हैं कि हमारे कैमरा की जो वीडियो है उसकी बहुत ज़्यादा डायनेमिक रेंज हमें चाहिए कि हमारा फेस भी क्लियर दिखे और पीछे आसमान भी नज़र आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो डायनेमिक पे जाएंगे, या फिर हम फ्लैट में शूट करेंगे, या फिर लोग V2 में। ये तीनों बेसिकली प्रोफाइल्स हैं जिसको आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी आपके सीन के अकॉर्डिंग सेट बैठती है। पर्सनली मेरे को डायनेमिक और फ्लैट दोनों ही अच्छी लगती है। मोस्टली मैं शूट करता हूँ अपने कैमरा में फ्लैट प्रोफाइल पे या फिर S-Log3 पे। अब उसमें भी देखो, अगर हम जैसे हम बात करें, जैसे लाइट यहाँ पे आपको नजर आ रही है, इसमें अगर हम हाइलाइट्स को कम कर दें तो आप देखेंगे कि लाइट के पास किस तरीके से ये अंधेरा होता जा रहा है, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा साथ साथ में। और अगर हम इसको ज्यादा कर देंगे तो आप देखेंगे कि लाइट कितनी ज्यादा ब्राइट होती जा रही है। तो इस तरीके से हम अपने सीन में देख सकते हैं कि कौन सा ज्यादा ब्राइट पार्ट है उसको हमें कम करना है, या फिर कौन सा अंधेरे में पार्ट है उसको हमें थोड़ा ज्यादा करना है, ठीक है ना। अब इसके अगर हम शेडोज उठा दें यहाँ से, जैसे आप देखेंगे कि लाइट की तरफ आपको कितना फर्क होता हुआ नजर आएगा। तो ये चीज का आपको यहाँ पे फर्क पड़ता है इस हमारी हाइलाइट्स और शेडो से। ये फोटोशॉप आपने यूज किया अगर, या फिर लाइटरूम आपने यूज किया, तो उसमें भी हाइलाइट शेडो जिस तरीके से काम करती है सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी काम करती है। अभी के लिए मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद तीसरा आता है हमारा सैचुरेशन और वाइब्रेंस, कि अगर आपको कलर थोड़े से ज़्यादा चाहिए, भड़कीले चाहिए, या फिर आपको कलर थोड़े से डल चाहिए कि हमारा थोड़ा कलर जो है कम नज़र आए, तो सीधी सी बात है कि सैचुरेशन अगर हम कम कर देंगे तो आप यहाँ ब्लू पार्ट देखेंगे जो फ्रेम में आ रहा है, ब्लू पार्ट इसका कम हो जाएगा, ज़्यादा कर देंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। वाइब्रेंस भी सेम वही तरीके से कम कर देंगे तो ब्लू कलर की कॉन्ट्रास्ट जो हमारे फ्रेम में थी वो कम हो जाएगी, ज़्यादा कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगी। तो सेम इस तरीके से यहाँ पे आप RGB में मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आप देखेंगे कि किस तरीके से कितना ज़्यादा कलर चेंज हो जाता है। अभी के लिए इसको भी हम रीसेट कर देते हैं। अब ये तीन चीज़ें तो आपको समझ आ गई। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारी अभी और भी चीज़ें इसमें है।
अब इसके बाद सेकंड चीज आती है, हमारा ये जो सर्कल आपको नजर आ रहा है ये है हमारा ISO और शटर स्पीड का। ISO ये आपको 600 नजर आ रहे है इस समय, ये हमारा 600 ISO है। इसको अब लॉक कर दिया जैसे इस पे हमने टच करके, लेकिन अभी हमें इसको लॉक नहीं करना है, हमें ISO कम करना है क्योंकि मान लो कि हमारी लाइट इस समय ज्यादा है तो इसको हम कम करेंगे जैसे, तो मेरे फोन के मिनिमम ISO 50 जाती है तो हम 50 पे इसको रख देंगे, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। अब ये 50 पे हो गए, अब इसको हम लॉक कर देंगे इसको टच करके। अब दूसरा है हमारा ये शटर स्पीड। अब शटर स्पीड क्या होता है वो मैंने आप शटर स्पीड, फ्रेम रेट, ये सारी क्या चीजें होती है ये मैंने मैन्युअली ऐप को दूसरी वीडियो में बता रखा है, सारा कुछ समझा रखा है, शटर स्पीड, ISO, फ्रेम रेट, ये सारा क्या कुछ होता है, तो आप वो वाली वीडियो यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा शटर स्पीड का भी ऑप्शन है, शटर स्पीड हमारे फ्रेम रेट के अकॉर्डिंग हम रख सकते हैं। तो जैसे जैसे देखिए यहाँ पे मैं अगर बढ़ाता जा रहा हूँ तो फ्रेम के अंदर अंधेरा होता जा रहा है, जैसे जैसे कम कर रहा हूँ वैसे वैसे लाइट ज्यादा हो रही है। तो इसका सेम ताल्लुक आता है हमारी यहाँ पे सेटिंग पे, अगर मैं जाऊँ तो फ्रेम रेट यहाँ आपको नजर आ रहा है, तो 30 FPS पे हमारा अभी शटर स्पीड है, फ्रेम रेट है, तो हम इसको यहाँ पे 1/60 हम रख देंगे इतना। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट जो सिनेमैटिक वीडियोस के लिए होता है फ्रेम रेट, वो फ्रेम रेट ये हमारा बन चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहा होगा एक फोकस का और एक जूम का। जूम का सिंपली वही जूम का है, हम स्क्रॉल करेंगे तो जूम हो जाएगा, वापस पीछे करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। अब फोकस की अगर हम बात करें तो इस समय फोकस जैसे कैमरा के ऊपर है या लाइट के ऊपर है, लेकिन हमारे हाथ के ऊपर नहीं है। अब जैसे हाथ हमारा आगे आएगा तो हाथ पे फोकस नहीं हो रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इसको हम बाय डिफॉल्ट वाले कैमरा में करते हैं तो जो चीज़ हमारे कैमरा के पास होगी उसके ऊपर फोकस हो जाएगा। अब इस पे अगर मुझे हाथ पे फोकस करना है तो मैं अपने स्क्रोल को देखिए यहाँ से अगर मैं वो करता हूँ, स्क्रोल घुमाता हूँ तो मेरे हाथ पे फोकस है और कैमरा देखिए कितना ज़्यादा ब्लर है बैकग्राउंड। और इसको अगर हम और ज़्यादा कर देंगे पीछे की तरफ तो ये और ज़्यादा हमारे हाथ पे भी फोकस नहीं है, उससे भी आगे का फोकस है ये यहाँ पे। अब यहाँ पे हम पीछे करें तो आप देखेंगे कि जैसे हाथ हमारा ब्लर है लेकिन कैमरा की तरफ हमारा फोकस जा रहा है। अब ये देखिए फोकस हमारा फिक्स रहता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें सेटिंग्स की तो यहाँ पे आप जैसे देखेंगे कि यहाँ पे आपको सेटिंग में रेजोल्यूशन नजर आएगा। रेजोल्यूशन में आप किसी भी फ्रेम के अंदर शूट कर सकते हैं। 16:9 हमारा मोस्टली यूट्यूब के लिए रहता है, लेकिन अगर आप इंस्टा के लिए करना चाहते हैं तो 1:1। और जैसे ही आप 1:1 पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि हमारा जो वीडियो में फ्रेम है वो कट चुका है। और उसके अलावा 4:3, आप 3:2, 17:9, ये कुछ भी आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। सेकेंड चीज आती है हमारी फ्रेम रेट। आपके कैमरा की जितनी भी कैपेबिलिटी होगी, ऐसा नहीं कि ये जबरदस्ती कुछ एक्स्ट्रा दिखा देगा, जो भी आपका कैमरा आपका फोन शूट कर पाएगा वो फ्रेम रेट यहाँ पे आप मैन्युअली कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वाले कैमरास के अंदर क्या होता है कि 30 FPS और 60 FPS ये दो ऑप्शन हमें मिलते हैं। यहाँ पे हम 25 फ्रेम, 24 फ्रेम, 30 फ्रेम, 29 फ्रेम, 18 फ्रेम, जितने भी आप रखना चाहें उतने फ्रेम रेट की शूट आप कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। कभी कभी हमें जिटरी इफेक्ट चाहिए तो हम फ्रेम रेट कम कर सकते हैं, कभी कभी हमें और ज़्यादा स्मूथ चाहिए तो हम फ्रेम रेट ज़्यादा कर सकते हैं। हमें यहाँ 240 FPS तक मेरा कैमरा सपोर्ट करता है, तो 240 FPS तक इस कैमरा में, इस फोन में मैं वीडियो शूट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ 240 करूँगा तो शटर स्पीड मेरी 480 मुझे रखनी पड़ेगी। अब ऑडियो की बात करें तो कैमरा माइक्रोफोन यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि अभी हमने इसमें कोई एक्सटर्नल माइक नहीं लगा रखा। अब इसमें अगर हम कोई एक्सटर्नल माइक लगाते हैं तो हमारा क्या होगा कि जो कैमरा है वो डिटेक्ट कर लेगा कि इसमें कोई माइक लगा हुआ है, तो एक्सटर्नल माइक भी हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे। और जो एक्स्ट्रा फीचर्स है, अगर आपका फोन स्टेबलाइजेशन सपोर्ट करता है तो यहाँ पे OIS भी है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन भी है, और हम दोनों को भी ऑन करके हमारी और ज़्यादा वीडियोस को स्टडी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे इसमें फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे हैं। इसकी मदद से देखो आप कॉमेडी वीडियोस क्या, आप दुनिया की कोई भी चीज़ बना सकते हो। बस आपको आना चाहिए कि सेटिंग कौन सी करनी है, वो मैंने इस वीडियो में बता दिया। अब आपको चाहिए कि एंगल कौन सा लेना है, कहाँ से शूट करना है, ये सारी चीज़ें मैंने दूसरी वीडियोस में भी बना रखा है। तो अगर आप वो सब देखना चाहते हैं तो आप वो वहाँ जाके देख सकते हैं, वीडियोस मैंने बहुत सारी बना रखी है। और अगर आपको इस तरीके की और ज़्यादा वीडियोस देखनी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।